हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और आप देख रहे हैं पोस्टल लर्निंग पॉइंट। अक्टूबर 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें क्या रहेगी, पोस्ट ऑफिस में जमा करने पर कौन सी स्कीम में कितना रिटर्न मिलेगा, आइए हम वीडियो में देखते हैं। आरडी 5 साल का अकाउंट होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट 5.8% होती है। अगर आप मंथली 1000 रुपये के हिसाब से चलोगे तो 5 साल बाद आपको 69,697 रुपये मिलेंगे। उसी प्रकार 500 रुपये मंथली जमा करते हो 5 साल तक तो 5 साल बाद आपको 34,869 रुपये रिटर्न मिलेंगे। इसके बाद आता है 1 ईयर TD, जिसमें 5.5% इंटरेस्ट रेट है। 1 लाख की FD करवाने पे आपको 1 साल बाद 1,05,614 रुपये रिटर्न मिलेंगे। उसी प्रकार 50,000 की FD पे 52,807 रुपये रिटर्न मिलेंगे। इसके बाद 2 साल की FD पे 5.5% ब्याज, 1 लाख की FD करवाते हैं तो 1,11,228 रुपये रिटर्न, 50,000 की FD करवाते हैं तो आपको 55,614 रुपये रिटर्न, और उसी प्रकार 3 साल की FD करवाते हैं तो उसमें भी 5.5% इंटरेस्ट रेट है। 1 लाख की FD पे आपको 3 साल बाद 1,16,842 रुपये रिटर्न मिलेंगे। उसी प्रकार 50,000 की FD पे आपको 3 साल बाद 58,421 रुपये रिटर्न मिलेंगे। इसके बाद 5 साल की FD पे 6.7% इंटरेस्ट है। 1 लाख की FD पे आपको 1,34,350 रुपये रिटर्न मिलेंगे। उसी प्रकार 50,000 की FD पे 67,175 रुपये रिटर्न मिलेंगे। इसके बाद है बचत खाता, इसमें 4% इंटरेस्ट रेट है जो कि बैंक में 2.5 से 3% मिलता है। अगर आप लगातार 1 लाख रुपये जमा रखते हैं तो 1 साल बाद आपको 4,000 रुपये ब्याज मिलेगा। इसके बाद आता है MIS अकाउंट, जो कि 5 साल का होता है। इसमें आपको पूरा पेमेंट एक ही बार में जमा करना पड़ेगा। इसका इंटरेस्ट 6.6% है। अगर आप 1 लाख जमा करते हैं तो आपको 550 पर मंथ के हिसाब से ब्याज जुड़ेगा और 5 साल बाद आपको 1,33,000 रुपये रिटर्न मिलेगा। इसके बाद आता है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, जो कि 5 साल का होता है और इसमें आपकी उम्र 60 से ऊपर है तो आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट है 7.4%। अगर आप 1 लाख जमा करते हैं तो हर 3 महीने बाद आपको 1,850 रुपये ब्याज मिलेगा और टोटल 5 साल बाद आपको 1,37,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं NSC, जो कि 5 साल की होती है। इसका ब्याज दर है 6.8%। 1 लाख का जमा करने पर आपको NSC के अंदर 1,38,950 रुपये मिलेंगे। उसी प्रकार 50,000 की NSC करने पर 69,475 रुपये रिटर्न में मिलेंगे। फिर इसके बाद आता है KVP, यानी कि किसान विकास पत्र, जिसके अंदर पैसा दोगुना किया जाता है। इसकी ब्याज दर है 6.9%। अगर आप 1 लाख जमा करते हैं तो आपको 10 साल और 4 महीने के बाद रिटर्न में 2 लाख रुपये मिलेंगे। इसके बाद आता है पब्लिक प्रोवाइड फंड, जो कि 15 साल का होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट 7.1% है। इसमें साल भर में मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। अगर आप मंथली टारगेट के हिसाब से 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपको 3,15,572 रुपये रिटर्न मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 15 साल तक जमा करना होता है। यदि आपकी बच्ची की उम्र 0 से 10 साल के बीच है तो आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें 7.6% ब्याज है। अगर आप मंथली 1,000 रुपये के हिसाब से जमा करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग के 21 साल बाद आपको 5,10,373 रुपये रिटर्न मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।